हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिच वेजर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर मोबाइल गेम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर 1 GB और 2 GB रैम वाले फोन्स में रन करेगा कि नहीं करेगा। सो उसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च डेट के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं, कॉल ऑफ ड्यूटी चाइना में लॉन्च हो चुका है बीटा वर्जन, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो चाइनीज वर्जन आप लोग डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि आपका 1 GB जो है वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको ओपन करोगे तो उसमें वीचैट के थ्रू आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ वीपीएन वगैरह भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्यों आपका अपना आप डाटा आप वेस्ट कर रहे हो, जबकि ग्लोबल लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। सो गूगल प्ले, अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल प्ले स्टोर में कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर का प्री रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है। अगर आप अभी तक गूगल प्ले स्टोर में रजिस्टर नहीं किया है कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करके उसको रजिस्टर कर सकते हो और बहुत जल्दी ये ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। तो मेरे ख्याल से चाइनीज वर्जन डाउनलोड करके आप जो है अपना डाटा या फिर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। ओके, सो एपीके प्योर से भी बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना के बोल रहे कि एपीके प्योर में ऑलरेडी जो है कॉल ऑफ ड्यूटी उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, एपीके प्योर में ऑलरेडी कॉल ऑफ ड्यूटी उपलब्ध है, यानी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो उसमें भी जो है एरर दिखाता है, क्योंकि अभी फिलहाल ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी। सो गाइस, यही है कि अभी मेरे ख्याल से 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा सभी के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ये चाइनीज वर्जन जो है डाउनलोड करके अपना डाटा MB वेस्ट मत कीजिए और अपना टाइम बचाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे जब आप लोग चाइनीज वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करोगे। तो आप लोगों को पहली बार VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा बात वो वीचैट से आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा। जब इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है तो आप लोगों को जरूरत क्या है चाइनीज वर्जन डाउनलोड करने का। सो ओके, सो गाइस ये तो रहा लॉन्च डेट का, और बहुत जल्दी भैया 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है ये लॉन्च, ये कन्फर्म है। ओके, और इसके बाद सो गाइस, अब बात करते हैं ये गेम 1 GB और 2 GB रैम वाले फोन्स में रन करेगा कि नहीं करेगा। तो इस गेम का साइज है लगभग 1 GB से ज्यादा, यानी 1100 MB के अराउंड, और मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो गाइस, मेरे पास 2 GB रैम वाला फोन है, उसमें मैंने ये गेम को इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिन के तक खेला भी था। ओके, तो 2 GB रैम वाले फोन पे तो नो डाउट ये आराम से चल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले लॉन्च हो गया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया का VPN ऐप यूज करके, VPN सर्वर यूज करके आप इजीली खेल पा रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 GB रैम वाले फोन में मैंने खुद ट्राई किया है कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से चल रहा था। सो 1 GB ये गेम का साइज है। ओके, और कंफ्यूज्ड मैं ये इसमें हूँ कि 1 GB रैम वाले जो फोन से उसमें कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि 1 GB रैम वाले फोन में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इस गेम को, कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर को इंस्टॉल करके। सो मेरे पास 1 GB रैम वाला फोन भी है दोस्तों, तो अभी ग्लोबल लॉन्च का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब भी ग्लोबल लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली 1 GB रैम वाले फोन में इंस्टॉल करके मैं चेक करूंगा, अगर रन करता है तो मैं जरूर आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी नो डाउट लेजेंडरी गेम है, सभी लोग इस गेम को खेलना चाहेंगे और इसमें बहुत सारे आप लोगों को मोड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि मल्टीप्लेयर मोड्स वगैरह, बैटल ग्राउंड मोड्स वगैरह, हर तरह के स्टोरी मोड्स वगैरह, बहुत सारे आप लोगों को इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पबजी मोबाइल है उससे भी कंपेयर आप लोग कर सकते हो इस गेम को। तो नो डाउट ये कॉल ऑफ ड्यूटी जो है बहुत बढ़िया गेम होने वाला है। तो गाइस, ये कन्फर्म है कि 2 GB रैम वाले फोन्स में जो है इजीली इस गेम को खेल पाओगे, लेकिन 1 GB रैम आपके फ़ोन में तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्लोबल लॉन्च का मैं वेट कर रहा हूँ, 1 महीने या 15 दिन के अराउंड में ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर में आप जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो। डायरेक्टली आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करके कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वॉर कॉल ऑफ ड्यूटी लिख के सर्च करना है, तो वहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, आप रजिस्टर कीजिए। अगर चाहे आपका फ़ोन में 1 GB रैम हो चाहे 2 GB रैम हो, आप बस रजिस्टर कीजिए, जब गेम लॉन्च होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप वहाँ से जैसे लॉन्च होगा आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा गेम सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आप लोगों को ये इन्फॉर्म देना था कि चाइनीज वर्जन भी अभी बीटा, चाइनीज का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है, उसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहते हो चाइनीज वर्जन खेलना तो खेल सकते हो। और
ग्लोबल लॉन्च के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा जैसे लॉन्च होगा। बाय।